हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में कि डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं, डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं, मीटर मेजर करते हैं, किसमें, मीटर में। ठीक है, ये कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट है एसआई सिस्टम वाली, ऐसी और भी यूनिट्स हैं, और क्या क्या यूनिट हो सकती है, मीटर, एक सेंटीमीटर भी हो सकता है और एक किलोमीटर भी हो सकता है, ऐसे डिस्टेंस के बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं। ठीक है, उनमें हम एक कन्वर्जन भी करते हैं। तो देखो कन्वर्जन के पहले थोड़ा सा बेसिक हमें मैथ्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, पहला यदि पावर्स मल्टीप्लाई होती है, जैसे 10^2 है ना, देखो पावर 2 का मतलब क्या होता है, 100 है ना, 10 × 10 है ना। अच्छा 10^5 का मतलब कितना होता है, 10 10 के पीछे कितनी जीरो होगी, 4 जीरो आएगी, है ना। अच्छा एक बार बताओ, एक ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा 10^2 × 10^3। तो देखो इसको कैसे करते हैं, 10^2 कितना होता है, 100 × 10^3 कितना होता है, 1, 2, 3। तो टोटल कितना हो गया, 10^1, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो 10^5 हो गया, तो हम लिख सकते हैं 10^5। तो यहाँ पे देखो यदि मल्टीप्लाई में है तो 10^ हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10^2 + 3, तो कितना हो गया, 10^5। ठीक है, मतलब यदि, और वॉइस इज नॉट क्लियर। ठीक है एक मिनट सर, सर इट्स कॉल्ड ए स्क्वायर। ठीक है, अब आ रही है आवाज सर, इट इज एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए, जैसे 10^4 × 10^6, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 10^ 10 + 4 × 10^6 ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, नंबर वन। ठीक है, नंबर टू इधर देखो, अच्छा 10 यदि पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाती है या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इधर देखो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखो 1/100, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/10^2। तो जो पावर है यदि हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2 पॉजिटिव है, तो 10^4 कितना हो जाएगा, -2। क्लियर है, जिसे 10^4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10^-4। क्लियर है, दैट वुड बी -4। ठीक है, तो ये भी एक आइडेंटिटी होती है, ये भी आपको याद होना चाहिए कि यदि पावर पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाए या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाए, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है सर, कैन यू एक्सप्लेन अगेन। देखो बेटा यहाँ पे देखो 1/100 मतलब 10 की पावर कितना होता है, 100, 100 को हम बोलते हैं 10^2, तो 1/10^2 है ना। अब जो पावर है 10^4 वो डिनोमिनेटर में, इसको हमें न्यूमिनेटर में लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10^-2। ठीक है सर, वो माइनस हो जाती है फिर माइनस में, हाँ माइनस हो जाती है 10^-2। ठीक है, जैसे 10^4 है, इसको यदि हम नीचे लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10^-4 है ना। अच्छा आ गई बात उनमें, तो चाहे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाएं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएं, पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको ऐसे करना है, मान लो, हाँ बोलो बेटा सर, जैसे आपने 10^2 और ये सब पढ़ा है ना, एक्स की पावर, ये सब सब वो सारे मुझे पहले मैंने पढ़ा नहीं था। ठीक है, हाँ बेटा, नहीं पढ़ा अभी, आ रहा है ना समझ में, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, हाँ ठीक है, तो इसलिए तो मैंने आज पढ़ाया आपको बेसिक से कि यदि पावर क्या होता है, 1/100 को 1/10^2 लिख सकते हैं ना, देखो यस सर। अब यदि ये पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ऊपर से यदि हम नीचे लेके जाएंगे तो 10^ कैसे हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। क्लियर है,
इधर देखो यस सर। अब इसका यूज क्या है, जैसे आपको बोल दिया 10^4 डिवाइड बाय 10^2 तो कितना होगा बताओ, तो 10^4 ऐसा होता है अपॉन 10^2 कितना होता है 100, 20 से 20 कैंसिल हो गई तो बचेगा क्या 10^2। कोई डाउट है इसमें? नो सर। इसको ऐसे भी कर सकते, जिसको 10^4 इस 10 को यदि हम पावर को ऊपर लेके जाएं तो कितना हो जाएगा, 10^2 कितना हो जाएगा -2 -2 हो जाएगा। हाँ अब देखो, अब हमें पता है कि 10^2 में दोनों है मल्टीप्लाई है तो दोनों को ऐड कर दो, 10^4 -2 कितना बचा 10^2। तो देखो वैसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड से आंसर क्या होगा सेम ही होगा। ठीक है, इसे और हम करते हैं, देखो इधर कैलकुलेशंस है ना, टेंशन मत लो, आपको धीरे धीरे सब चीज की प्रैक्टिस। मैं लिख नहीं पाया। कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अभी आप समझते जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको करते जाओ साथ साथ में, है ना, तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। सर टेकन स्क्रीनशॉट। इधर देखो 10^20 अपॉन 10^3 तो कितना होगा इसका आंसर, तो देखो अब 10 का पावर हम इतना तो नहीं लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 अपॉन 10^3 कितना है 1, 2, 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तो कितना बचा 10^17। इसको अपन देखो ऐसे कर सकते थे इजीली, 10^20 वी हैव टू राइट दी 10^1, पावर ऊपर जाएगी तो कितना होगा 3 होगा -3 3 तो 10^ कितना होगा 20 -3 तो कितना हो गया 10^17 है ना, आ गई बात सुन में, तो ऐसे आप इजीली कर सकते हैं। सर हाँ एक्सप्लेन कर दी। देखो बेटा जब हमें बड़े नंबर से करना हो तो बड़े नंबर से क्या होगा, जैसे 10^20 डिवाइड बाय 10^3 है ना, तो 10^20 मतलब 10 के पीछे कितनी जीरो है 20 जीरो है, तो 20 जीरो हमने लगाया अपॉन 10^3 मतलब 1000, अब 30 से 30 कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग कितनी जीरो बचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तो आंसर आ गया हमारा 10^17। लेकिन हमें इतना सारा जीरो है तो वो यूज करना पड़ेगा है ना, इतना सारा स्पेस लगेगा, इसलिए देखो हम डायरेक्टली आइडेंटिटी से करते हैं। देखो 10^20 डिवाइड बाय 10^-3 अब देखो ये डिनोमिनेटर में ये ऊपर जाएगा तो 10^ कितना होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो ऊपर कितना हो गया 10^-3 ठीक है। अब हमें पता है कि दोनों को ऐड कर दो 10^20 -3 तो आंसर हो गया 10^17। हाँ बोलो बेटा। सर आपने तो अभी बताया कि 10 के बाद 20 जीरोस होते हैं, सर तो 10 के बाद 20 जीरोस होते हैं या फिर 1 के बाद? 1 के बाद होते हैं ठीक है, 20 जीरो 10^3 मतलब 1 के बाद 30। क्लियर है? यस सर। हाँ अब जैसे देखो इधर देखो, अब ऐसा मल्टीप्लाई है 10^4 × 10^8 अपॉन 10^6 कितना होगा आंसर इधर देखो, तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते बेटा 10^4 × 10^8 और ये 10^6 को ऊपर जाएगा तो 10 का पावर कितना होगा -6। अब तीनों के बेस में 10 है तो सब पावर्स को ऐड कर दो तो कितना होगा 10^4 + 8 - 6 कितना होगा 6 है ना, क्योंकि 12 - 6 10^6 ठीक है।
चलो वापस से आप लोग बताना, थोड़ा सा और हम बढ़ाते हैं। टेन रेस, हाँ बोलो बेटा। सर अगर ये 10 की जगह कोई और नंबर हो तब क्या करें? तब भी ऐसे ही होगा। तो चलो फिर से कर लेते हम, 2 to the power 4 इंटू 2 की पावर 6 डिवाइड बाय 10, ठीक है डिवाइड बाय। नहीं सर दोनों जगह अलग अलग नंबर हो, अलग अलग है तो फिर हमें बेटा सॉल्व ही करना पड़ेगा, तब हम नहीं कर सकते है ना, तब तो हमें फिर सॉल्व ही करना पड़ेगा ठीक है। और यदि बेस सेम 10 to the power 10 हो तो इसका आंसर कितना होगा बताओ? 2। सर हम सॉल्व कैसे करेंगे अगर दोनों जगह अलग अलग नंबर होंगे? जैसे बोल दिया बेटा 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 2 है ना, तो 2 × 2 × 2 कितना होता है 2 × 2 × 2 × 2 ये वाला अपॉन 2 to the power यदि कितना है 10 है तो देखो तो ये कितना होगा 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 6 इंटू 2 की पावर -10 तो 2 to the power कितना होगा 10 - 10 तो इक्वल टू 2 to the power 0 2 to the power 0 कितना होता है 1 ठीक है। अब देखो यदि 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 है तो यहाँ पे बेस अलग अलग है तो हमें बेटा सॉल्व ही करना पड़ेगा, सॉल्व कितना होगा 2 × 2 × 2 इंटू 3 × 3 तो 2 × 2 × 2 कितना होता है 2 × 3 जा कितना होता है 2 × 2 कितना होता है सॉरी 4 × 2 = 8 2 × 2 × 2 = 8 होता है इंटू 3 × 3 कितना होता है 9 8 × 9 = 72 तो आंसर हो गया 72 क्लियर है, हमें फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा ठीक है। अब इधर देखो sir, I am not understanding properly. ये वाला sir, I am also not understanding properly. बेटा ये वाला कौन सा वाला अंडरस्टैंड नहीं हुआ आपको, कहाँ पे sir, the last one, देखो 2 to the power 3 कितना होता है 2 to the power 3 क्या होता है बेटा 2 × 2 × 2 होता है Sorry, 2 × 3 तो कितना होता है बताओ 2 × 2 × 2 कितने 6 8 आएगा ना बेटा 2³ = 8 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 और 3² मतलब 3 × 3 3 × 3 कितना होता है 9 तो 8 × 9 कितना होता है 72 बस यही आंसर है। हाँ but in the 10, 10, 20 and the कौन सा ये वाला no sir the outside one first one ये वाला first one yes sir देखो 10 की पावर 20 है मतलब 1 के पीछे 20 0 होगा yes sir। अब देखो मान लो 10³ है तो उसका मतलब क्या होता है 10 × 10 × 10 होता है तो इसका मीनिंग क्या हो गया 1000 हो गया ना 1 के पीछे 30 तो वैसे ही 10³ है तो क्या होगा 10 × 10 × 10 × 10 कहां तक 20 टाइम्स तो कितना हो जाएगा 1 के पीछे कितना जीरो आ जाएगा 20 20 आ जाएगा और नीचे 1 के पीछे कितना जीरो है 3 है 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा 17 अब देखो इधर 10 to the power 2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 10⁻⁰ इसको सॉल्व करो कितना बचेगा 10⁻⁻⁰10⁻⁰⁰ 10⁻⁰⁰ 2 × 10⁻⁶ × 10⁻⁰⁰ 10
इक्वल्स टू 10^2 + 6 - 10, तो आंसर हो गया 10^-2। अच्छा 10^-2 और 1/10^2 दोनों में कोई डिफरेंस है? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 1/100 लिख सकता हूं मैं। हाँ ठीक है, तो हाँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों का मीनिंग एक ही है ना, उसमें कंफ्यूज मत होना कि हर जगह अलग अलग चीजें, ठीक है। आ गई बात समझ में? इसे 10^-4 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/10^4। कोई डाउट है बेटा इसमें? नो सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर ओवर हियर यू हैव डिड इन दैट द बॉक्स व्हिच इज अबाउट 10^-2 और 1 दिस वन। तो वॉइस ही क्लियर नहीं हो रहा बेटा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। सर आई एम सेइंग दैट दैट बॉक्स ये वाला। यस सर। हाँ सर आई कांट अंडरस्टैंड द फॉर्मूला यू हैव। देखो देखो 10^ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया तो कितना होगा? -10 होगा। यस सर। अब देखो मल्टीप्लाई में जो पावर है वो ऐड होता है। यस सर। तो ऐड कर दो, 2 और 6 कितना होता है? 2 + 6 8। 8 - 10 कितना होता है? 8 - 10 कितना होगा? सर इट वुड बी -2। तुम वही तो लिखा बेटा -2। ठीक है। हाँ बोलो बेटा। सर कैन यू एक्सप्लेन दिस लोन सम अगेन? आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। देखो बेटा ये वाला लिटिल बिट। यस देखो देखो बेटा 10 का पावर यदि मल्टीप्लाई में हो, एक प्रॉपर्टी है a टू द पावर x इनटू a टू द पावर y, तो हम लिख सकते हैं a टू द पावर x प्लस y। ठीक है ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। अब देखो मान लो 10^2 × 10^3 तो कितना हो जाएगा बताओ? 10^ 10^5। ठीक है। अच्छा 10^3 × 10^8 तो कितना हो जाएगा? 10^11। 10^2 × 10^-6 तो कितना हो जाएगा? 10^-4 अब और भी नंबर हो गए, 10^2 × 10^4 × 10^-1 कितना होगा? 10^5 प्लस होते हैं ना, 4 + 6 - 1 = 5। क्लियर है? यस। चलो 10^2 × 10^6 × 10^-10 कितना होगा? सर 10^-2 - 2 यही वाला क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब हो गया क्लियर? हमें लिखना है, लिख लो लिखना हो तो, अदरवाइज नोट्स में भी रहेगा। तुम समझो पहले क्या कर रहे हैं हम, ठीक है? हमें हाँ बोलो बेटा। पावर का, ठीक है सर। हाँ सर, इफ द क्वेश्चन इज लाइक 2 × 3 × 3 / 3 / 4 / 3 ये यस सर। तो देखो 2 to the power 4 to the power 3 यस सर। तो देखो इसको पहले अपन ऐसा कर लेते हैं, इधर देखो। अच्छा 2 to the power 3 तो ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 यस सर। और 3 की पावर 2 को लिख सकते हैं 3 × 3 यस सर।
और 4 to the power 3 को क्या लिख सकते हैं, 4 into 4 into 4। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अब देखो 2 into 2 से 4 कैंसिल हो गया। यस सर। 2 into 2 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल हो गया। फिर हम एक और कैंसिल आउट कर दो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। यस। तो हमारे पास बचा क्या, ऊपर कितना बचा, 3 into 3, और नीचे क्या बचा, 4 into 2 कितना होता है, 4 into 2 3 into 3 कितना होता है, 9 होता है, 4 into 2 8 होता है, तो आंसर हो गया 9/8। क्लियर है सर? कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन? देखो इधर, ये चीज समझ में आई आपको? पहले जितना पावर था उतनी बार हमने उसको लिख लिया, क्लियर है? यस सर। अब देखो हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से कैंसिल आउट कर दिया, चलो 2 से सबको कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और इस वाले 2 2 1 जा 2 2 जा, तो हमारे पास ऊपर कितना बचा, 3 into 3, और नीचे क्या बच गया, 2 into 4 कितना होता है, 8। तो 3 into 3 9, 2 into 4 8, तो आंसर हो गया 9/8। क्लियर है? अब देखो हमारे पास ये हमारे फिजिक्स में कैसे यूज आएगा। अच्छा आपको पता है सर, कैन यू वेट? सर दिस वन पेज वी हैव टू राइट इन आवर रजिस्टर। हाँ कर लेना, आपको समझ में आना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, बाकी ठीक है। पावर्स पता होना चाहिए कि पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है, तो उसका टू राइट दिस इन आवर रजिस्टर। हाँ क्योंकि बाद में भूल जाओगे ना, पता होना चाहिए। और यदि हम कर हाँ पावर शेड, हाँ बेस वही रहता है, बेस वही रहता है। अब देखो, अच्छा आपको बता बेटा मीटर और किलोमीटर में रिलेशन? यस सर। ठीक है, अब इधर देखो हमारे पास रिलेशन, हमको क्या पता है कि 1000 meter equals to 1 kilometer, इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10^3 meter equals to 1 kilometer। Yes sir. Yes sir. ये हमेशा याद होना चाहिए, है ना? अच्छा इसका अपोजिट याद रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बार बताओ, ये पता है आपको, मान लो 2x equal to 3 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? Yes sir, it's called equation. हाँ, 3/2 होगी, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई सुना है आपने? हाँ, है ना? तो देखो, Yes sir. तो देखो, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि मीटर इक्वल्स टू 1 kilometer डिवाइड बाय 10^3। कोई डाउट है इसमें? देखो बेटा, बेटा आपको बोल दिया कि 2x equal to 3 है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इधर मल्टीप्लाई में है और यदि इक्वल के उस साइड जाता है तो वो डिवाइड में जाता है, क्लियर है? तो देखो x इक्वल्स टू कितना होगा, 3/2, इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यदि ऐसा है आपके पास x/2 = 6, माइनस गोज आफ्टर द आफ्टर द इक्वल साइन, सो इट वुड बी प्लस।
देखो क्रॉस इसको बोलते हैं, अब देखो ये इधर क्या है डिवाइड में बेटा, उधर जाएगा तो कितना मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 into 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो आपके पास ये रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है सर। तो 2 into x में x की वैल्यू 1 हुई, सॉरी सर x की वैल्यू क्या हुई? x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना बेटा, x की वैल्यू मान लो एक x की वैल्यू कुछ भी एनीथिंग 3/2 हुई, तो 3/2 कितना होता, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1.5 के इक्वल है, क्लियर है सर? मुझे अभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। अच्छा इधर देखो, आपको बोल दिया 2 mango कितने रुपीस के हैं, 5 rupees। टू मैंगो आपके कितने के हैं, 10 rupees के हैं, तो 1 mango कितने का होगा? 5 rupees। कैसे निकाला? तो देखो जो 2 है इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो मैंगो इक्वल टू कितना आया 10 rupees डिवाइड बाय 2। 10/2 कितने होगा, 10/2 कितना होगा 5 rupees, तो 1 mango का प्राइस हमें पता लग गया 5 rupees, ठीक है? Yes, sir. देखो छो, देखो, हाँ, सिक्स डेरी मिल्क 30 rupees का है, तो 1 dairy milk कितने का होगा sir? 5 rupees। देखो कितना है, तो ये 6 इधर किस में था, मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो जो डेयरी मिल्क है इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 divided by 6 rupees, है ना? 30 divided by 6 करो कितना होगा 5, मतलब 1 dairy milk कितने का हो गया 5 rupees हो गया, क्लियर है? यस सर। अब हमने 6 के प्लेस पे हम 10^3 रख दिया और डेयरी मिल्क की जगह मीटर रख दिया, तो 1 kilometer है ना, तो इधर जाएगा तो डिवाइड होगा ना, तो 1 meter इक्वल टू कितना हो गया 1/10^3 kilometer। आई बात समझ में? देखो इधर 1000 meter इक्वल टू होता है 1 kilometer, है ना? या फिर हम इसको लिख सकते हैं 10^3 meter equals to 1 kilometer, ठीक है? अच्छा एक बोल बताओ, ये इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या होगा, मीटर इक्वल्स टू 1000 kilometer, ये लिख सकता हूँ मैं इसको? Yes, sir. अच्छा इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/10^3 kilometer। Yes, sir. और पावर पावर ऊपर जाएगी तो क्या होगा, -3 kilometer, ठीक है? तो हमारे पास जो कंक्लूजन बचा, कंक्लूजन ये याद रखो कि 1000 meter इक्वल्स टू होता है 1 kilometer और 1 meter इक्वल्स टू होता है 1/1000 kilometer, ठीक है? ठीक है, अब यदि हमें, ठीक है, या फिर डायरेक्टली यदि याद रखो, यदि आपको किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, मीटर में, तो किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 1000 करेंगे, क्लियर है? मतलब 5000, हाँ ठीक है। और यदि हमें मीटर से किसमें चेंज करना है, किलोमीटर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, क्लियर है? ये आप नोट करो। यस सर। ये आप नोट कर लो पहले और बिल्कुल रट लो कि किलोमीटर टू मीटर तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे और मीटर टू किलोमीटर जाएंगे। वी कन्वर्ट अ बिगर यूनिट इनटू अ स्मॉलर यूनिट, वी मल्टीप्लाई, हां हां, स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट वी यूज्ड टू डिवाइड, ठीक है? तो ऐसे आपको, अब देखो ये आपको याद रखना है। अब देखो हम छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं,
अच्छा 3 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर सर? 3000 मीटर नोट कर लो चलो। हाँ सर नोटेड। यस सर। देखो तो कितना 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर। चलो अच्छा बताओ 8 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर? 8000 मीटर। ठीक है अच्छा हाँ 8 × 10⁻³ ये सब लिख सकते हैं है ना। अच्छा अब बताओ 5.2 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर? 5.2 × 1000 तो आंसर कितना आएगा? पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया तो 5200 मीटर। ठीक है अच्छा देखो देखो बेटा हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 1000 का मल्टीप्लाई करना है। अब 1000 का मल्टीप्लाई करना है। अब देखो बेटा पावर ये पॉइंट हटाते हैं तो डिवाइड में 10 आता है। ठीक है पॉइंट हटाते हैं तो हम नीचे इसके बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट है तो नीचे 10 आ जाता है। क्लियर है? और 0 से 0 कैंसिल हो गया तो अब कितना हो गया? 52 × 100 कितना हो गया? 5200 है ना। चलो अब बताना और भी हम और बहुत सारे लेते नंबर। चलो 6.33 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर? तो 6.33 × क्या करना है हमें? 1000 करना है। इंटू क्या करना है? 1000 है ना। अच्छा अब देखो बेटा ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके पीछे कितने डिजिट है? 2 डिजिट है तो नीचे कितनी जीरो आएगी? 20 आएगी। 20 से 20 कैंसिल हो गई। हाँ तो आंसर आ गया 6330 मीटर। क्लियर है? तो जैसे हम लोगों के पास कोई भी नंबर रहा पॉइंट हाँ, हाँ, तो उसका आंसर 1000 में ही आएगा। हाँ यदि यहाँ पे हाँ हमें मल्टीप्लाई करना है 1000 का। ठीक है अच्छा इधर बताओ अब आपको बोल दिया 12.23 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर? सर कैन आई टेल? हाँ बोलो। 1000 × 23 × 1000 है ना। अब देखो बेटा इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? टू तो ये पॉइंट हटाएगा तो नीचे कितनी जीरो आएगी? 20 20 से 20 कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा बताओ? 1 2 2 3 0। क्लियर है? हाँ बोलो बेटा। कुछ चेंज नहीं हो गए नहीं बेटा पीछे कितने डिजिट है? पीछे 2 डिजिट है तो 20 आएगी नीचे। ठीक है okay. हाँ अब देखो और भी हम देखते हैं। चलो ऐसा बोल दिया मैंने 15.400 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर? तो देखो इसको आप देखो इधर से अच्छा 15.400 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट तो ये पॉइंट हटेगा तो 1 2 3 30 से 30 कैंसिल बचेगा कितना? 1000 मीटर है ना। चलो और बताइए अपन देखो 16.235 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर? तो देखो 16.235 × 10000 है ना। तो देखो ये पॉइंट हटा कितने डिजिट आएंगे बेटा? 3 डिजिट 1 2 3 30 से 30 कैंसिल तो कितना आ जाएगा? 16.235 है ना। सॉरी पॉइंट नहीं आएगा
टू 35. तो इसमें कोई डाउट है, मीटर टू किलोमीटर, किलोमीटर टू मीटर में कोई डाउट नहीं है? No, sir. अब हम मीटर से यदि हमें किलोमीटर में जाना है तो थाउजेंड से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. जैसे हाँ, अब इधर देखो, 42,000 किलोमीटर इक्वल्स टू, सॉरी मीटर, 42,000 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच किलोमीटर? 42 किलोमीटर. अच्छा, 56,000 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच किलोमीटर? 56 किलोमीटर. किलोमीटर. अच्छा, अब बताओ, 100 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच किलोमीटर? 1.5 किलोमीटर. हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे. 1000 से डिवाइड करेंगे तो 20 से तो 20 कैंसिल हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 5.4. वैसे बताओ, 300 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच किलोमीटर? 3.3 किलोमीटर. तो 20 से 20 कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं 0.3 किलोमीटर. क्लियर है? 3 upon 10. नहीं बेटा, 3 upon 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेटर है ना, 0.3 किलोमीटर. ठीक है, ओके सर. हाँ, अब एक और चीज आपको पता होना चाहिए. मान लो SI 625 डिवाइड बाय 10 कितना होता है? 625 by divide by 100 कितना होगा? 6.25. अच्छा, 625 divide by 1000 कितना होगा? 625 divide by 10,000 अब क्या होगा? 0.06625. क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि देखो, देखो कितने जीरो है हमारे पास, 1, 2, 3, 4. तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1, 2, 3, फोर्थ नहीं है तो वो हमने जीरो मान लिया, तो फोर्थ के बाद पॉइंट लगा दो. क्लियर है? जैसे यहां पर हमारे पास था 30 था, तो 3 पॉइंट के बाद पॉइंट लगा दो, 1, 2, 3, 3 के बाद यहां पे पॉइंट लगा दो. अच्छा, यहां पे कितना है, 20 है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 1, 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया. अच्छा, 10 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो. क्लियर है? समझ गए? यस सर. नंबर से डिवाइड करते हैं उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है. क्लियर है? यस सर. अच्छा, अब बताओ, अब बताओ, 235 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच किलोमीटर? 0.235 मीटर. 0.235. क्लियर है? अब मीटर और किलोमीटर में कोई डाउट है? नो सर. नहीं, हमारे पास एक और यूनिट है, वो क्या है, सेंटीमीटर. क्या है? सेंटीमीटर. अच्छा, कितने सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर होता है? 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर. अच्छा अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10^2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर. यस सर. 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 10^-2 मीटर लिख सकता हूँ. देखो चलो, yes, sir. इसको डिवाइड में कर देते हैं, 1/10^2 meter है ना. yes, और पावर ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, 10^-2 meter. ठीक है, तो देखो, हमारे पास सिंपल सा, यदि मीटर
मीटर से हमें किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, तो मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, 100 और सेंटीमीटर 2 मीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय क्या करोगे सर, 10^-2। हाँ, 10^-2 से मल्टीप्लाई या 100 से डिवाइड, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है? यस सर। तो ये नोट कर लो। तो अब इधर देखो, मीटर तो हमें क्या करना है, सेंटीमीटर। अच्छा, 3 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर। और यदि हमें बोल दिया 450 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर सर, 45। नहीं बेटा, 100 से डिवाइड करो, 4.5, ठीक है, क्लियर है? हाँ बोलो बेटा सर, जैसे हम लोगों ने 450 को 100 से डिवाइड किया, बिल्कुल किया, तो 10 से 10 कैंसिल कर दिया, या देखो कितने नीचे 0 है, 20 है, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, खत्म बात। तो चलो अब वापस से हम करते हैं। अच्छा, 44 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर, 4,400। क्या बेटा, 4,400 सेंटीमीटर। अच्छा, 4.1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 4,100 सेंटीमीटर। कितना होगा, तो 100, आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, 410 सेंटीमीटर, 410 सेंटीमीटर, ठीक है? देखो 4.1 × 100, पिछला वाला पेज कर दीजिए, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो आएगा, 10 आएगा बेटा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 41 × 10 कितना होता है, 410 सेंटीमीटर। अच्छा, अब बताओ 4.01 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर, 401 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ 540 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर, 5.4। नहीं, यहाँ सेंटीमीटर है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, कंफ्यूज मत हो, मैंने चेंज कर दिया है, तो 5.4 है ना, तो हमेशा पहले पढ़ो क्या पूछा है ना, ऐसा नहीं हमेशा मल्टीप्लाई करना है, हमेशा डिवाइड, रटो मत, ठीक है? अच्छा, इजीली सोचो, सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है या मीटर, मीटर, तो हमें बड़े में जाना है, तो वैल्यू हमें कम चाहिए, कम वैल्यू चाहिए तो डिवाइड कर दो, ज्यादा वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? अब देखो, हाँ, अब बताओ 460 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर,
4.6 meter. हाँ चलो 5 centimeter equals to how much meter? 5.05 meter. 5 divided by 100. कितने पॉइंट के बाद जीरो लगाना है? 2 digit के बाद. तो 0.05. अच्छा 1 centimeter equals to how much meter? 1 upon 100 को क्या लिख सकते हैं हम? 0.01 तो हम लिख सकते हैं 0.01 meter. क्लियर है? चलो अब अच्छा बताओ 1 meter equals to how much kilometer? Good. नोट कर लो. क्या नोट करना था? गो टू नेक्स्ट. हाँ ठीक है. आ गई बात समझ में? तो नेक्स्ट क्या था हमारा? 1 किलो. तो आंसर कितना होगा? 1/1000. 1/1000 कितने पॉइंट के बाद डिजिट के बाद हमें जीरो लगाना है? 3 के बाद. तो आगे कुछ नहीं है तो इसे जीरो .001 किलोमीटर. ठीक है. या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 1 × 10⁻³ किलोमीटर. कोई डाउट है इसमें? नो सर. ये 1000 था, 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ और ऊपर जाएगी तो कितना हो गया? 10⁻³. क्लियर है? तो ये याद होना चाहिए कैलकुलेशन. अच्छा एक बार बताओ, ठीक है ये लेंथ वाला अपना खत्म हो गया. अब अपन एरिया में आते हैं. किस में आते हैं? एरिया. अच्छा एरिया, इसका एरिया, ये वाला एरिया कितना होगा? मान लो ये दिया है 2 meter और ये दिया है 1 meter. आप पीछे वाला स्लाइड 2 meter लेंथ मल्टीप्लाई बाय स्लाइड कर दीजिए. तो कितना होगा? 2 meter सर. द लेंथ द ब्रेथ. ठीक है. 2 meter कितना हो गया? 2 meter इनटू 1 meter. अच्छा तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 1 इंटू मीटर इंटू मीटर. सर 2 meter square. 2 meter square. ठीक है. यहाँ पे मीटर का क्या है? स्क्वायर हो जाएगा. क्लियर है? वैसे मैंने बोल दिया. हाँ बोलो बेटा. एरिया समझ नहीं आया बेटा. एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ. मान लो ये लेंथ है और ये विड्थ है. तो एरिया इक्वल टू होता है एल इंटू बी. तो लेंथ कितना है? 2 है. 2 meter इंटू विड्थ कितना है? ब्रेथ कितना है? 1 meter. 1 meter. तो 2 × 1 कितना हो गया नंबर? 2 × 1 कितना होता है? 2. और मीटर इंटू मीटर कितना होता है? मीटर स्क्वायर. हाँ ठीक है. तो हाँ तो मीटर स्क्वायर हो गया. क्लियर है? अच्छा एक बार बताओ, यदि ये 10 centimeter होता और ये 5 centimeter होता तो, हाँ बोलो बेटा. सेंटीमीटर स्क्वायर सर. 10 centimeter इनटू 5 centimeter. एक मिनट. हाँ बोलो बेटा. सर जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन कराया ना एरिया वाले में, सर उसमें हम लोग पर 2 meter इनटू 1 meter. तो 2 × 1 कितना होता है? 2 होता है. 2 एरिया स्क्वायर कैसे आ गया बेटा? मीटर स्क्वायर. देखो मीटर इनटू मीटर दोनों में मीटर है ना, वो तो फॉर्मूला है. लेकिन देखो मीटर इनटू मीटर, 2 meter है तो कितना हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है. हाँ ऐसे होता है बेटा. अच्छा देखो एक बताओ, 2 × 2, 2 का पावर 2 होता है. Yes, x इंटू एक्स, एक्स का पावर 2 होता है. Yes, sir. तो मीटर इंटू मीटर, मीटर का पावर 2 नहीं होगा? हो जाएगा. वही तो किया हमने. हाँ ठीक है. अब देखो इधर. Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा. Answer is
Sir, what if the breadth is in meter, in centimeter? तो बताएंगे, वो तो बताएंगे, वो बताएंगे. 1 meter equals to 100 centimeter, वो तो पता है ना, अपन ने कर तो लिया. इधर देखो, इसका एरिया निकालो कितना होगा. 2 into 2 = 20 square. 5 into 10. सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो कितना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आंसर कितना होगा, 50 centimeter square. क्लियर है? 50 centimeter square. हाँ चलो. और अब अच्छा बताओ, ये मैंने बोल दिया आपको 6 meter और ये 2 meter. हाँ तो एरिया कितना होगा, 12 meter square. हाँ बोलो बेटा. 2 into 2 square क्यों हुआ? 2 into 2 बेटा अभी तो बताया फॉर्मूला क्या है. मान लो ये साइड ए है और ये बी है, तो एरिया कितना होता है, ए इंटू बी. ए क्या है, 2 meter into 6 meter. तो 2 into 6 क्या हो गया, 12. और मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर. ये वाली चीज तो मुझे समझ आ गई, पर 2 into 2 meter square क्यों होता है? मीटर होता है बेटा, हर क्वांटिटी का अलग अलग होता है ना. यदि हम मीटर ही लिखेंगे तो देखो बेटा, यदि हम सुनो, यदि हम यूनिट चेंज नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो एरिया है या लेंथ है, है ना. यदि हमने कोई भी मीटर स्क्वायर है, हाँ मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है, ठीक है, मीटर स्क्वायर होता है, तभी तो हमें पता लगता है कि वो क्वांटिटी एरिया है. यदि ओनली मीटर हुआ तो हमें पता लग जाएगा वो क्वांटिटी क्या है, लेंथ है. ठीक है, तो हमें यूनिट से तो पता लगता है कि वो क्वांटिटी कौन सा है. ठीक है, अब देखो. हाँ तो 2 into 2 2 square क्यों होता है, 2 cube क्यों नहीं होता? बेटा ये फॉर्मूला है ना लेंथ एरिया का, एरिया इक्वल्स टू होता है साइड बाय इनटू साइड. ठीक है, साइड इनटू साइड, तो साइड इनटू साइड, हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. अब इधर देखो बेटा, मान लो ये एक, अच्छा इसका एरिया बताओ आप. ये आपका 12 मीटर और ये है 2 meter, तो एरिया कितना होगा, 24 meter square. अच्छा गुड, नेक्स्ट बताना. ये है मेरा 5 centimeter और ये हो गया हमारा, सर मल्टीप्लाई करना है, हाँ मल्टीप्लाई है ना, और ये हमें दे दिया 1 meter. तो अब एरिया कितना होगा, सर 5 centimeter square. नहीं, नो सर. तो देखो, तो देखो, सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो बेटा, नहीं तो हमेशा ध्यान रखना है, जब हम मल्टीप्लाई करें तो दोनों यूनिट सेम होना चाहिए. ये किसमें है, ये किसमें है, मीटर में, ये किसमें है, सेंटीमीटर. तो दोनों को हमें सेंटीमीटर, वाह, तो 1 centimeter को हम क्यों, क्या लिख सकते हैं, हम 100 centimeter. अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 100 centimeter square. समझ में आया कहां गलती करते हैं हम, तो हमें यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए, है ना. जैसे हमने बोल दिया कि ये एक एरिया है ना, एक मैंने बोल दिया 1.5 meter और एक बोल दिया मैंने 200 centimeter. अब बताओ एरिया कितना होगा, 3000 centimeter square. ठीक है, तो देखो दोनों हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं. 1.5 meter कितना होगा, 150 centimeter. तो देखो 200 into 150 centimeter square, तो देखो कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, 15,000 centimeter. नहीं आएगा ना बेटा, 30,000 centimeter square. ठीक है, या फिर यदि मीटर में निकालना है, अच्छा 2 centimeter equals to कितने मीटर होता है,
2 meter 200 meter तो एरिया हम मीटर में भी निकाल सकते थे 1.5 × 2 meter square तो कितना होगा 3 meter square आ गई बात समझ में दोनों ही क्या है सही है ठीक है नहीं सर ये आंसर गलत निकलेगा क्यों निकलेगा बेटा गलत सर इसका 30,000 centimeter तो क्या हो गया तो क्या हो गया जैसे मीटर और किलोमीटर में दोनों में वैल्यू तो अलग अलग होती थी ना चलो ठीक है आ गई बात समझ में अब इन दोनों में भी एक रिलेशन होता है इन दोनों में भी क्या रिलेशन होता है ये याद रखो देखो 1 meter × 1 meter क्या 1 meter square होता है यस सर अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ 100 centimeter यस सर तो इस वाले को भी मैं 100 centimeter लिख सकता हूँ यस सर अच्छा तो यहाँ पे 10^10 कितना हो गया 2 centimeter × 10^2 centimeter तो यहाँ पे 10^10 कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया 4 तो ये रिलेशन बन गया 1 meter square = कितना होता है 10^4 centimeter square ठीक है 1 meter × 2 क्या बेटा देखो 1 meter square है तो 2 meter है तो 1 meter × 1 meter लिख दिया हमने Yes, sir. और 1 meter मतलब 100 centimeter और इस 1 meter का भी मतलब 100 centimeter दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना बचेगा 10 का पावर कितना 4 हो जाएगा 10 के पीछे 1 2 3 4 Still able to understand what are you... ये समझ में आया एक मिनट सब पीछे छोड़ दो बेटा ये चीज समझ में आई Yes, sir. तो इस 1 meter को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूं 100 centimeter × 100 centimeter इसमें कोई डाउट है नो सर अच्छा 100 × 100 कितना होता है 100 × 100 10,000 होता है ना 200 थोड़ी ना होता है इंटू और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ये रिलेशन हो गया 1 meter = 10,000 centimeter square अब इधर देखो ये वाला नोट कर लो है ना अब इधर देखो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 answer आए थे एक आया था 3 meter square तो अच्छा 1 meter हाँ बोलो can you show in which you yes sir आप नोट्स भेजोगे हाँ ठीक है अब इधर देखो बेटा 1 meter square = कितना होता है 10,000 centimeter square होता है तो इधर देखो 3 meter square × cm² में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे 10^4 कर देंगे × 10^4 cm² तो कितना हो जाएगा 30,000 हो गया देखो आंसर हमारा दोनों में सेम आया ठीक है अच्छा देखो 1 meter square = 2,000 अच्छा 2 meter square कितना होगा 20,000 होगा Yes, sir. अच्छा 3 meter square कितना होगा 30,000 centimeter square देखो वही आया था हमारा लास्ट क्वेश्चन में 3 meter = 30,000 centimeter square आया था दोनों सेंटीमीटर में निकालेंगे तो इतना आएगा मीटर में निकालेंगे तो इतना आएगा लेकिन दोनों वैल्यू क्या है सेम है क्लियर है तो आज हमने देखो 3 रिलेशन पढ़े कितने रिलेशन पढ़े 3 रिलेशन पहला 1,000 meter = 1 kilometer यस सर सर मीटर इनटू किलोमीटर
सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर और थर्ड है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपको ठीक है, तो ये तीनों रिलेशन आपको याद होने चाहिए. ठीक है, यस सर. चलो ठीक है, तो अब आप ब्रेक ले लो, है ना. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर.